हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितेश अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑन डीकोडेड सीरीज़ फ्रॉम क्लैट प्रेप। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के लेटेस्ट मिशन की, जहां हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को स्पेस में भेजा अपार्ट फ्रॉम टू अदर सैटेलाइट्स। विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मिशन एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को भेजा गया, साथ में दो छोटी सैटेलाइट्स भेजी गई, इंस्पायर सेट 1 एंड INS-2TD। इनको लेकर गया हमारा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 रॉकेट। PSLV की ये 54th फ्लाइट थी, ठीक है, और इसके जो सबसे पावरफुल XL वर्जन है उसकी ये 23rd फ्लाइट थी, ठीक है। देखो, इसरो हाल ही में अभी न्यूज़ में रहा है क्योंकि नए चीफ हुए हैं एस सोमनाथ साहब। कुछ नए अपकमिंग मिशंस के बारे में भी अनाउंसमेंट हुए, इंक्लूडिंग गगनयान, इंक्लूडिंग हमारा अपना स्पेस स्टेशन। और ये जो साल है वो इसरो का काफ़ी बिजी ईयर है, क्योंकि हम जो गगनयान की अनक्रूड स्पेस फ्लाइट भेजने वाले हैं वो भी इसी साल भेजने वाले हैं। चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है वो भी इसी साल प्लान्ड है। तो इसरो के लिए काफ़ी बिजी कैलेंडर ईयर है और एक इंटरेस्टिंग बिगिनिंग इस साल की इस लॉन्च के साथ हुई है, ठीक है। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द जॉब? देखो, जैसा नाम से पता चलता है, इट ऑब्जर्व्स अर्थ, अर्थ के जो भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उन पर एक क्लोज ऑब्जर्वेशन की जाती है सैटेलाइट की मदद से, वो डेटा गैदर किया जाता है। इट यूजेस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि स्पेसिफिकली जो PSLV सैटेलाइट्स होती हैं उनको ये अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भेजने के काम में लिया जाता है। और फिर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं उनके लिए फिर हम GSLV का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या, इसके अलावा और कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं? बहुत सारी हैं, काटो सेट है, राइसेट है, रिसोर्स सेट है, ठीक है, और इनकी भी मल्टीपल सीरीज है। तो बहुत तरह की सैटेलाइट्स हैं जो हमने भेजी हैं। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले इसरो की पॉलिसी ये थी कि जो सैटेलाइट ऊपर जा रही है अब वो अर्थ ऑब्जर्व कर रही है, अर्थ का जो पार्ट ऑब्जर्व कर रही है उसके हिसाब से उसके नाम होते थे। जो काटो सेट हुआ करती थी वो टॉपोग्राफी के हिसाब से हुआ करती थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी इसरो ने क्या डिसाइड किया कि अल्टीमेटली चाहे आप अर्थ का कोई भी हिस्सा ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर इन टू द पेरेंटल ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो क्योंकि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, इसके बाद इन सीरीज में जो भी सैटेलाइट जाएंगे उन सबका जो कोड नेम होगा वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही होगा। इट विल बी EOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20, उस तरीके से चलता जाएगा। तो अब हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के अलग अलग नाम नहीं होंगे, सब जो है पेरेंट ग्रुप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की ही रेंज में चलेगा, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 के कुछ फीचर्स देखते हैं। वेट था कुछ 1710 kg, 10 साल की इसकी मिशन लाइफ है, 10 साल तक ये हमें अर्थ के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डेटा देगा, डेटा फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, ठीक है। और ये जो डेटा है हमें जो बाकी सैटेलाइट्स जो भी हमारी प्लेस्ड है रिसोर्स सेट सीरीज में या काटो सेट सीरीज में या राइजेट सीरीज में या तो ये जो डेटा है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। इन सारे डेटा के थ्रू हम एक बेहतर पॉलिसी डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 है यानी पहले 3 जा चुकी होंगी। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 हमने नवंबर 2020 में भेजी थी, फिर 2 एक्चुअली गई नहीं है, 2 हम जो SSLV डेवलप कर रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसके साथ भेजने का प्लान है। थर्ड हमने 2021 में भेजने की कोशिश की थी, वो मिशन फेल हो गया, ठीक है, और फोर्थ अभी हमने लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा, अब इट इज़ अ राडार इमेजिंग सैटेलाइट। जो राइसेट सीरीज देखते हो, राडार राइसेट सीरीज जो है वो राडार इमेजिंग सीरीज है, तो ये भी जो है वो एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है। इसे सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट ऑफ 529 किलोमीटर पर रखा जाएगा। जो बाकी दो सैटेलाइट्स है वो भी इसी ऑर्बिट पोजिशन है 529 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। इट वुड रिप्लेस राइसेट वन जो है वो 2012 में हमने लॉन्च की थी, बट अब नॉन फंक्शनल हो चुकी है सैटेलाइट, का कुछ काम रहा नहीं है। तो हर सैटेलाइट की एक लाइफ होती है, जैसे इसके लिए भी मिशन लाइफ 10 साल है, 10 साल के बाद ये भी नॉन फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ हमने दो और सैटेलाइट्स भेजी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहली सैटेलाइट है इंस्पायर सेट 1। देखो, इंस्पायर सेट 1 एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इट द फुल फॉर्म देखोगे तो आप इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, तो रिसर्च बेस्ड सैटेलाइट है जो कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स पे रिसर्च करेगी। मैं भी आपको बताऊंगा आयनोस्फेयर और सन के कोरोना
पर ये रिसर्च करेगी बेसिकली। और ये बनाया किसने, यहाँ पर हमारे तिरुवनंतपुरम में एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएस के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट बनाया। इसमें सिंगापुर और ताइवान की यूनिवर्सिटीज़ ने भी साथ में पार्टिसिपेट किया है, जो आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा, तो बेसिकली दो पेलोड्स हमने भेजे हैं। पेलोड्स मतलब जो सैटेलाइट्स होती है, देखो एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में जो सैटेलाइट्स का पार्ट होता है दैट इज पेलोड। तो दो पेलोड्स हमने भेजे हैं विद अ मास ऑफ 8.1 kg एंड मिशन लाइफ ऑफ 1 ईयर। तो एक साल में ये बेसिकली मैं आयनोस्फेयर के बारे में बताएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में एटमोसफेयर की अलग अलग लेयर्स होंगी ना, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, है ना। तो आयनोस्फेयर को अंडरस्टैंड करने पर हमारे मदद करेगा जो अर्थ के अपर एटमोसफेयर में होती है। इसके अलावा सन के जो कोरोनल हीटिंग प्रोसेस है उसको स्टडी करने पे ही हमारी मदद करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे INS-2TD। INS-2TD जो दूसरा पार्ट है, दूसरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 के साथ इंस्पायर सीरीज गई थी, उसके बाद INS-2TD एक और सैटेलाइट हमने भेजी थी। देखो भूटान के साथ हम एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं मार्च में, ठीक है। सैटेलाइट का नाम है भूटान सेट। तो भूटान सेट के लिए इसे एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर माना जा रहा है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ सैटेलाइट है, सिमिलर काइंड ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस के थ्रू लॉन्च की जाएगी। तो इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट फॉर द ज्वाइंट सैटेलाइट विच वी आर प्लानिंग टू सेंड विद भूटान, ठीक है। इसका नाम होगा भूटान सेट, या दूसरा नाम इसे INS-2B भी कहा जा रहा है। मार्च 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अगेन इट्स एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसमें आज थर्मल इमेजिंग कैमराज है जो अर्थ के वेरियस प्रोसेसेस को कैप्चर करके फॉरेस्ट, ट्री कवर वगैरह का डेटा हमारे को ला करके देंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इंडिया के सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। देखो कुछ तो बैकग्राउंड है, वो सब आपने इसरो के बारे में ऑलरेडी बात की है कि पहली सैटेलाइट कौन सी थी, फिर पहली सैटेलाइट जो हमने खुद के लॉन्च व्हीकल से भेजी वो कौन सी थी, पहली रिमोट सेंसिंग कौन सी थी, पहली कम्युनिकेशन कौन सी थी, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन कब था, चंद्रयान कब था, तो ये तो बेसिक बैकग्राउंड है जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात करें आज की सिचुएशन में क्या सिचुएशन है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने अभी तक लॉन्च किए। उन 53 में से क्या ब्रेकअप है, 21 अर्थ ऑब्जर्वेशन है, 21 कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो 21 का काम अर्थ ऑब्जर्वेशन करना है, 21 हमें कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट्स हैं, 8 हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं। नेविगेशन मतलब जो हमारी मदद करते हैं, जैसे जिनके बेसिस पे आपका जो GPS वगैरह चलता है ना, जैसे ठीक है GPS तो आप एक US का सिस्टम है, बट हमारे पास भी जो अपने नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो 8 हैं। उसके अलावा 3 साइंस बेस्ड सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, लॉन्च व्हीकल्स अगर बात करें, सैटेलाइट जाती कैसे हैं, ऐसे तो होता नहीं है कि अपने आप चली जाती हैं, इनको एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या रॉकेट ऊपर लेकर के जाता है। वो रॉकेट तो हमारे पास दो तरह के हैं, PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो पहले अपन PSLV को बात करते हैं। PSLV लो अर्थ ऑर्बिट, यानी अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है अगर आपको सैटेलाइट को, तो PSLV काम में लिया जाता है। टिपिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या तो पोलर ऑर्बिट में या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर आपको लगाना हो तो ये PSLV के थ्रू भेजी जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजी जानी थी तो हमने PSLV का इस्तेमाल किया। अब GSLV कब काम में लिया जाता है, जब आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेके जानी है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेके जानी है, जैसे इनसेट है, इनसेट पूरी सीरीज है, तो वहां पर आपको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सैटेलाइट को कहाँ एस्टैब्लिश करता है, हायर एलिप्टिकल ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, तो यानी बहुत दूर, थोड़ा दूर अगर आपको लेकर के जाना है सैटेलाइट को तो आप GSLV का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या फर्क है, PSLV की कैपेसिटी होती है थोड़ा कम वेट करने की। PSLV जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, PSLV 2000 किलो तक की सैटेलाइट को लेकर के जा सकता है और 600 से 900 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंच सकता है हाईएस्ट, ठीक है। GSLV 5000 kg लेके जा सकता है, यानी यहाँ पर लिमिटेशन क्या थी कि 2000 किलो से ज़्यादा भारी नहीं जाएगी, यहाँ 5000 kg तक की सैटेलाइट जा सकती है और वो भी 36000 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। तो GSLV की कैपेसिटी जो है वो PSLV से काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा GSLV के बारे में और बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा GSLV Mk-1, Mk-2, Mk-3। देखो GSLV कैसे काम करता है, इसमें ना 3 तरह की स्टेजेस पे ये काम करता है। पहली स्टेज में सॉलिड बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड स्टेज में लिक्विड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरी स्टेज पे क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे 3-स्टेज व्हीकल कहा जाता है और ये बाकी सारे व्हीकल्स से ज़्यादा टॉल भी है। अब जो GSLV Mk-1, Mk-2 और Mk-3 में क्या फर्क है, Mk-1 जो है वो रशियन क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल करता है, Mk-2 इंडियन क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल करता है।
मार्क थ्री भी इंडियन क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल करता है, बट मार्क थ्री की कैपेबिलिटी मार्क टू से जस्ट डबल है। तो मार्क थ्री इज द मोस्ट एडवांस्ड, और आपको शायद पता ही होगा कि जो हमारा गगनयान मिशन है उसके लिए जो लॉन्च व्हीकल चुना गया है वो है GSLV मार्क थ्री। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। यहाँ पर हम आज का डिकोडेड सेशन क्लोज करते हैं एंड विल कीप कमिंग विद सम मोर टॉपिक्स, बट टिल देन आई वांट यू टू टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।